हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी बाजरे की टिक्की बनाने की रेसिपी, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। बाजरे का आटा और फ्रेंड्स सफ़ेद तिल की जो टिक्की बनाई जाती है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही मत देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 कप बाजरे का आटा लिया है और इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स मैं 4 टेबल स्पून सफ़ेद वाले तेल होते हैं फ्रेंड्स, वो ऐड कर रही हूँ आटे में। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट चम्मच भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इधर फ्रेंड्स, मैंने ये गुड़ की चाशनी ली है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये चाशनी पहले ही बनाकर रख ली थी। अगर आपको चाशनी बनाना आती है तो आप बड़ी इजीली ही बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, चाशनी बनाना बहुत ही आसान है। और फ्रेंड्स, बस आप क्या कीजिएगा, गुड़ लीजिएगा और उसको पिघला लीजिएगा। फ्रेंड्स, बस हमारी चाशनी रेडी है और ये फ्रेंड्स काफ़ी थिक है इस स्टेज पर, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है ये गरम हो चाशनी, मीडियम ये चाशनी है हमारी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स और फिर इसको हम ऐड करेंगे आटे में। सो फ्रेंड्स, आप चाशनी की थिकनेस देख सकते हो और फ्रेंड्स इसमें आपको गुड़ भी नज़र आ रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स क्या करना है, हमें गुड़ को पिघलाना है और फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा अपने ज़रूरत के अनुसार पानी ऐड करके इसको गुड़ को पिघला लीजिएगा और बड़ी इजीली ये चाशनी बनकर हमारी तैयार हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस आप देख सकते हो कितनी ये थिक बनी है। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम आटे में ऐड करते चलते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तिल को मिला लेंगे आटे के साथ में और फ्रेंड्स हम इसमें बाद में चाशनी ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाशनी को हल्का सा गुनगुना गर्म कर लीजिएगा अगर आपने पहले बना कर रखी है तो। सो फ्रेंड्स, टिक्की के लिए हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा थोड़ा ये चाशनी ऐड करते जाएंगे इसमें और इसका आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से फ्रेंड्स हम चाशनी को मिक्स कर लेंगे आटे के साथ में। और फ्रेंड्स, ये टिक्की बनाने के लिए हमें आटा सख्त ही लगाना है फ्रेंड्स, आटे को पतला नहीं करना है। ये छोटी से छोटी टिप्स को आप ध्यान में रख के बनाइएगा फ्रेंड्स, आपकी टिक्की बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। और फ्रेंड्स, ये सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने 1 कप के करीब गुड़ लिया था और उसकी चाशनी बनाकर तैयार की थी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें लगभग मैंने 250 ml गुड़ का इस्तेमाल किया है। सो फ्रेंड्स, हमारा आटा लगकर रेडी है और इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो किस तरह से ही मैंने थिकनेस वाला आटा बनाकर तैयार किया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना थिक मैंने ये आटा बनाकर तैयार किया है। बस इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए इसकी टिक्की बनाना शुरू करते हैं। छोटी छोटी सी फ्रेंड्स हम इसमें से लोइयां या बॉल से तोड़ लेंगे आटे में से। सो फ्रेंड्स, मैंने 1-2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये ऑयल ऐड कर लिया है फ्रेंड्स। हाथ पर इस तरह से मसल लीजिएगा, ऑयल को सब जगह पर हाथ पर लगा लीजिएगा और फ्रेंड्स इस तरह से जी टिक्की को हम चिकना कर लेंगे और एकदम स्मूथ बनाकर तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम साई टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम बेलन से बेल कर नहीं तैयार करेंगे, इस तरह से हथेली से इसको बेलना है, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो। बहुत ही इजीली फ्रेंड्स ये गोल टिक्की बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सभी टिक्की को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमें टिक्की को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और फ्रेंड्स इतना ही मोटा रखना है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कितना मोटी ये टिक्की रखी है। और फ्रेंड्स, चलिए मैं इसी तरह से सारी टिक्की को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इधर फ्रेंड्स, हम टिक्किया को फ्राई करने के लिए ऑयल ले लेंगे कढ़ाई में। ऑयल को गरम कर लेंगे। इधर फ्रेंड्स, आटे की थोड़ी सी लोई लेकर इस तरह से चेक कर लीजिएगा, बिखर तो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा तो बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। चलिए इसमें हम टिक्की को भी ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जितनी आवश्यकता हो आप 1 या 2 फ्राई कर सकते हो टिक्किया को। ऑयल का टेम्परेचर फ्रेंड्स ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम पे ही इनको सिकने देना है। और गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स ज़्यादा हाई पे मत रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स उलट पलट करके इसको सेक लेंगे।
और फ्रेंड्स ये बहुत ही क्रिस्पी करारा होने तक इनको सीखना है। और फ्रेंड्स इनको सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आराम से फ्रेंड्स 5 मिनट का समय लगेगा आपको। सो फ्रेंड्स हमारी ये टिक्किया सिक्का तैयार है और फ्रेंड्स आप बड़ी सावधानी से इसको हिलाइए डुलाइएगा। फ्रेंड्स बड़ी सॉफ्ट सी होती है ये, और फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये थोड़ी सी टूट गई है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फ्रेंड्स आपकी टिक्कियाँ का भी जई हाल होगा। तो फ्रेंड्स हम ऐसी तरह से दूसरी फ्राई कर लेते हैं बनी, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है, इनको निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम दूसरी टिक्किया को फ्राई कर लेंगे और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो टूट भी सकती हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये ठंडा होने पर बहुत ही क्रिस्प बनकर तैयार होती हैं। सो फ्रेंड्स हमने बड़ी सावधानी से इसको निकाल लिया है और फ्रेंड्स बिल्कुल गोल ये बनकर हमारी तैयार हुई है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारी गोल टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप टिकिया को फाइनल लुक देख सकते हो, मैंने सारी टिकिया को फ्राई करके तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फ्रेंड्स पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स ये कितनी क्रिस्पी और ये कितनी मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं आपको तोड़ कर बताती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने ये पहले भी तोड़ ली है और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इनका लुक, और मैं आपको ये तोड़ कर बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये किस किस की फेवरेट हैं ये बाजरे की टिक्कियाँ हैं, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं ऐसे ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।